पेशेंट फोरम के माध्यम से विविध मांगों को लेकर सचिव संजू गजबे इन्होंने सिकल सेल के साथ ही साथ इस अस्पताल में खूब से रोगी आते हैं और उन्हें खूब सी असुविधा का सामना करना पड़ता है, ऐसी मांगों को लेकर आंदोलन किया। सरकार का ध्यान न होने की वजह से अस्पताल में गर्भतैल प्रशिक्षण की मशीन 10 साल से शुरू थी। यह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हजारों पेशेंट आते थे, परंतु वह बंद होने की वजह से असुविधा हो रही है। इसी कारण से औषधोपचार और खूब सी असुविधाओं का सामना यहां करना पड़ रहा है। सरकार से बार बार विनती और निवेदन देने के बाद भी इस पर कार्यवाही न होने के कारण हर साल हिवाड़ी अधिवेशन पर और जब भी मंत्री नेता गनाते हैं तभी उन्हें निवेदन दिया जाता है, फिर भी कार्यवाही न होने के कारण गरीबों की खूब सी असुविधा होती है और यह आने वाला वर्ग खासकर गरीब वर्ग का होता है और वे प्राइवेट इलाज नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्होंने सरकार से निवेदन किया है। सोसाइटी ऑफ इंडिया सचिव संजीव गजबे बोलता है। या पेशंट्स फोरमच्या माध्यमातून मी तुम्हाला माहिती देतो की सिकल सेल आजाराव्यतिरिक्त इतर भरपूर आजार या शासकीय रुग्णालयामध्ये येतात, पण त्यांना ज्या असुविधा होतात त्या सुविधा सरकारकडे सरकारचं लक्ष नसल्यामुळे आणि ज्या पण सुविधा दिलेल्या आहेत त्या सुविधांचा त्यांनी शासनाने आपले आदेश काढलेले आहेत आणि ते आदेश काढूनसुद्धा त्याचा ते दुर्लक्ष करत आहेत। 10 वर्षापासून इथे गर्भजल परीक्षणाची मशीन होती, सुरू झालेलं होतं। इथे महाराष्ट्राच्या व्यतिरिक्त छत्तीसगड, मध्य प्रदेश इथून रुग्णसुद्धा येतात, त्या रुग्णांच्या सुविधा सगळ्या बंद करण्यात आलेल्या आहेत, म्हणून आम्हाला ही भूमिका घ्यावी लागली या पेशंट फोरमच्या माध्यमातून। आणि तसेच औषधोपचार आणि पेशंटना त्रास देणे ह्या सगळ्या गोष्टी या सिकल सेल व्यतिरिक्त सगळ्या रुग्णांना होत आहे, तरी आम्ही सरकारला वारंवार त्या गोष्टीकरता त्यांना निवेदन देऊन सरकारला आम्ही बरेचदा निवेदन दिलं, हिवाळी अधिवेशनातसुद्धा त्यांना निवेदन देत असतो, जे मंत्री लोक नागपूरला येतात त्यांनासुद्धा निवेदन असतो, पण रुग्णांच्या सोयीकरता कोणतेच मंत्री सिरियसनेस घेत नाही त्यांना, म्हणून आमचे निवेदन आहे वारंवार या माध्यमातून की बा रुग्णांना चांगल्या सुविधा द्याव्या सरकारच्या, कारण की बिलो पॉवर्टीचे लाईनचेच लोक या शासकीय रुग्णालयात येतात, गरीब लोक येतात, तर ते कोणाच्या माध्यमातून जातील, प्रायव्हेटमध्ये जाऊ शकत नाही, म्हणून सिकल सेल सोसायटी आणि या फोरममध्ये जितके काही संस्था इथे जोडलेले आहेत त्या माध्यमातून आम्ही या फोरमच्या माध्यमातून आम्ही सरकारला निवेदन करतो की सिकल सेल त्याच्या व्यतिरिक्त अनेक काही गोष्टी असतील म्हणजे रोग असतील त्या सगळ्यांच्या सोयी त्यांनी नियमितपणे आणि गरिबांना न टॉर्चर करता त्यांना तिथे सुविधा पोहोचल्या पाहिजे अशी आमची विनंती आहे, असं सरकारला आमची विनंती आहे। पेशंट राईट फोरम सबसे पहिले ये क्या है इस बारे में मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। ये कोई ऐसा कोई मतलब संस्था नहीं है जिसमें कि हम लोग क्या कर रहे हैं अपनी कोई क्रेडिट लेना चाहता है या कुछ किसी का कोई उद्देश्य है। ये जनता के द्वारा जनता के लिए तैयार किया गया एक आंदोलन है, एक मंच है जिस आंदोलन में सामान्य जनता और गरीब मरीज आकर अपनी मांगे रख सके, अपने सवाल खड़े किए जा सकते हैं, इसलिए हमने इसकी शुरुआत की है, जिसके द्वारा हम लोग संवैधानिक मार्ग से पेशेंट के और लोगों की जो भी मांगे है वो रखी जाए और उसको पूर्ण किया जाए, ऐसा हमारा उद्देश्य है। इसके द्वारा मैं तमाम जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि आप इस मंच के साथ जुड़कर आपको जो भी समस्याएं होती है, जो भी दिक्कतें होती है, वो आप हमारे साथ साझा कीजिए, हमसे जुड़कर आप इस सवाल को उठाइए। अंत में हमने ये जो जन अपील या फिर जन आंदोलन शुरू किया वो जनता के लिए ही शुरू किया, क्योंकि सामान्य सरकारी रुग्णालय या जो अस्पताल होते वहाँ कोई अमीर आदमी इलाज कराने नहीं जाता, वहाँ सब गरीब घर के और ग्रामीण भाग के लोग ही अपना इलाज कराने जाते। तो अंत में मैं आप सभी से ये विनती करता हूँ कि आप हमारे मंच के साथ जुड़कर सवाल खड़े कीजिए और हमारे साथ काम कीजिए, धन्यवाद। पेशेंट राइट फोरम की तरफ से हम एक छोटा सा मुद्दा रखना चाहते हैं कि जो
ट्रीटमेंट के दौरान जो पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसको इधर उधर ना भटकना पड़े, जो चार्जेस बोले जाते हैं प्राइवेट में, जैसे डेथ हो गई किसी की तो उसको अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस सर्च करनी पड़ती है, गाड़ी सर्च करनी पड़ती है कि उसके शरीर को घर तक लेकर जाए, और उसके परिवार को भी नया ट्रांसपोर्ट देखना पड़ता है। तो ये सुविधा, इसके लिए भी एक सुविधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से होनी चाहिए कि वो उसके शरीर को और उसके घर के जो लोग हैं उनको घर तक छोड़कर आए। ये गवर्नमेंट को इस पर भी काम करना चाहिए कि डेथ होने के बाद में उसको जो ये आखिरी सुविधा है ये भी प्रदान करे। बस कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।